अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भैया? ठीक हो जी? जी आपके बच्चे हैं? हाँ जी भाई। कितने बेटे हैं माशाल्लाह आपके बच्चे? अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज देख सकते हैं तकरीबन 6 से 7 दिनों के बाद धूप निकली हुई है काफ़ी तेज़, और मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो चुका है। अभी तो अभी हम कहीं बाहर निकलेंगे तो आप भी हमारे साथ रहिएगा। अभी हम करेंगे जी नाश्ता। ये देखें चाय बन रही है अभी, और अभी थोड़ी देर में रोटी बनेगी। ये नया इलेक्ट्रिक चूल्हा लेके हैं, इस पर अम्मी जी रोटी बना रही हैं। देख रहे हैं कैसी बन रही है रोटी, और चूल्हे को भी टेस्ट करते हैं कैसा चल रहा है। तो बनाइए ये ठीक बन रही है। इसका धुआं भी इतना नहीं आ रहा। और यार आज धूप निकली हुई है। आप फिर खेल नहीं रही इधर हैं? क्या कर रही हो? ये इतना प्यारा अपर कहाँ से लिया है? इरा क्या कर रही हो? तो जी अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, अभी दोस्तों के पास चलते हैं फिर आगे सिटी को निकलेंगे। अभी हम रोड पे आ चुके हैं तो अभी सिटी की तरफ निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ऑफिस आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अभी दरवाज़ा लगा हुआ, खाने का टाइम हुआ हुआ है। तो अभी ये हमने थोड़े से कागजात भेजने थे। कीमती टाइम है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भैया? ठीक हो जी? जी आपके बच्चे हैं? हाँ जी भाई। कितने बेटे हैं माशाल्लाह आपके बच्चे? भाई जान बीवी फौत हो गई, 4 बच्चे हैं, पूरी है 10 बंदे हैं। अच्छा, बस बेड़ी मुसीबत शाला, बस दा बंदा ही कोई ना उजड़े। ये बात तो है। हाँ जी, ऐसे तो भाई जान बस दे बंदे उजड़ गए। तो इतनी सर्दी में आप इधर ही रात गुजारते हो? ओके समझे भाई जान। तो कोई कमरा शमरा आप लोगों के पास नहीं है? तो ये बच्चों के जूते शूते हैं, गर्म कपड़े शपड़े हैं इनके पास नहीं, वो भी नहीं है? काश है नहीं साडे को। तो खाने पीने के लिए बस माउंटेन मतलब गुजार। कोई मतलब का माली मदद नहीं करता कोई भी? कोई वसीला नहीं आपका? ये देखो इसके नन्हे नन्हे बच्चे हैं। मेरा बच्चा भी इतनी सर्दी है और इनको बेचार अपना मतलब अपनी पनाह भी नहीं, अपना घर भी नहीं है जिधर वो अपनी सर्दी से मतलब घर में रह सकें और सर्दी को मतलब से बच सकें। ये इतने इस ओपन एरिया में रह रहे हैं बेचारे, देख सकते हो आप लोग। तो कैंडली हम सबको चाहिए कि इन गरीब लोगों का एहसास करें, हमें जिधर भी नज़र आए इनका हमें एहसास करना चाहिए। बच्चा देखो बीमार है, इसका हाथ भी खराब है, दोनों हाथ खराब है इस बच्चे का। देखो सर, देखो सर भी इसका खराब है बच्चे का।
अल्लाह आप लोगों को सेहत दे जी, इंशाल्लाह आपके हम सपोर्ट करेंगे जितनी हो सके हमसे। ये भाई मियाँ चनू लारी अड्डे के पास ही रहते हैं, तो हम उधर से आ चुके हैं, हमसे जितनी हो सकी हमने उनकी मदद कर दी है। तो जी हम प्रिंटिंग शॉप पे आ चुके हैं, इधर से हमने कार्ड लेने थे, बाद भाई की शादी है तो कार्ड हमारे बन चुके हैं, बस हम उठा रहे हैं। ये देखें ऐसे प्रिंटिंग करते हैं ये भाई, तो चाहे आपको भी दिखा दें। कमरदीन 1150 कार्ड है तक रहा है। अब हम मियाँ चनू के मशहूर बर्गर अरफान नाइस बर्गर वहाँ पे आए हुए हैं इनके बर्गर ट्राई करने, और भूख भी काफ़ी लगी हुई है। आप देख रहे हैं काफी रश लगा हुआ है इधर, और हम भी बैठे हुए हैं साथ में, काफी मशहूर बर्गर है इनके। हमारे बर्गर आ चुके हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि कैसे बने हुए हैं। अभी माशाल्लाह दिखने में बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। शुरू करें कदीर भाई, शुरू कर रहे हैं। कदीर भाई ट्राई करने लगे हैं। मजेदार है, मजेदार मजेदार। तो जी अब हम आ चुके हैं मियाँ चनू के मशहूर टी स्टॉल खालिद टी स्टॉल पर, इधर से हम चाय पीते हैं फिर घर के लिए रवाना होते हैं। इधर से हमारे लिए कश्मीरी चाय आ चुकी है। हम घर वापस आ चुके हैं, तो ब्लॉग का करते हैं जी इख्तिताम। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और हंसते रहें मुस्कुराते रहें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।